आज हम व्रत का इतना आसान टेस्टी नया नाश्ता बनाने वाले हैं जिसे आप 4 से 5 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको खाने का मन करे तो सिर्फ 5 मिनट में बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं व्रत का सैंडविच, साथ में हम सैंडविच की चटनी भी बनाएंगे, तो एक बार जरूर बनाएं। इस व्रत के सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में डालिए 1 कप सिंघाड़े का आटा। अब इसमें डाल दें 1/4 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, आप 2 भी डाल सकते हैं, 1 इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक। अब जिस कप या कटोरी से आपने आटा नापा है उसी से 1 कप पानी डालें, मिला लें। तो एक ही बार ज़्यादा पानी डालने से लम्स भी आ सकते हैं। तो देखिए गाढ़ा सा बैटर तैयार है और अब हम फिर से 1 कप और पानी डालते हैं। टोटल हमने 2 कप पानी डाला, तो पानी धीरे धीरे ही डालना है। और अब इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार व्रत का नमक। तो व्रत का सैंडविच बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे मैं लौकी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मीडियम साइज़ के कद्दूकस से 1 कप लौकी लिया है और जब आपको सैंडविच बनाना हो ना तभी लौकी को कद्दूकस करें, वरना लौकी का रंग बदलने लगेगा। और अगर लौकी में बीज हो तो उसका बीज निकाल दीजिएगा। अब डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गाजर और 1 बड़ा साइज़ का उबला हुआ मैश आलू, चटपटा स्वाद के लिए 1 टेबलस्पून नींबू का रस, फिर से मिला लीजिए। और अब हम इस मिश्रण को पकाएंगे। अब कढ़ाई में डालिए 1 छोटी चम्मच घी या फिर ऑयल, घी को इस तरीके से चारों तरफ फैला लीजिए। अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा, जैसे ही जीरा हल्का सा तड़के डाल दीजिए 5 से 6 बारीक कटी करी पत्ता। अब तुरंत डाल दीजिए ये मिश्रण जो हमने तैयार किया था, धीरे से डालें, लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। तो दोस्तों अगर आप व्रत में गाजर जीरा या करी पत्ता नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा, तब भी बन जाएगा। फ्लेम को मीडियम कर दें, 1 मिनट में ही आप देखेंगे कि मिश्रण गाढ़ा होने लगा है। तो अगर आपको आंच कम लगे ना तो थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, यानी कि हाई टू मीडियम कर दीजिएगा। अब इस स्टेज पर डाल दीजिए 2 टेबलस्पून कटी हुई धनिया पत्ती, यानी कि गैस बंद करने से 1 मिनट पहले डालें। अगर आप पहले धनिया पत्ता डाल देंगे तो हरा रंग धनिया का छुप जाएगा, निखर के सैंडविच में नहीं आ पाएगा। और अगर लोहे की कढ़ाई में बना रहे हैं तो इस टाइम आप थोड़ा सा और घी डालिएगा ताकि कढ़ाई में ज़रा भी ना चिपके। तो सिंघाड़े का आटा, लौकी, गाजर जो भी डाला था बहुत ही अच्छे से पक चुका है। टोटल आपको 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो देखिए तले में हल्का हल्का चिपकना शुरू हो गया है, इसका मतलब हमारा मिश्रण बहुत ही अच्छे से पक चुका है। फ्लेम कर दीजिए बंद, इसी तरीके से हल्का गीला गीला रहेगा। ध्यान देने वाली बात, आप 2 कप से 4 चम्मच कम पानी डाल सकते हैं लेकिन भूल के भी ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। और अब हम इस मिश्रण को जमाएंगे, तो उसके लिए आप कोई केक टिन लीजिए या ट्रे लीजिए या थाली लीजिए, हल्का सा घी या ऑयल से ग्रीस कर लें और गरम गरम मिश्रण हम डाल देते हैं, थोड़ा सा फैला लीजिए। और अब चम्मच के पीछे हल्का सा घी या ऑयल लगा के हम चिकना कर लेते हैं। तो जैसे जैसे ठंडी होगी ना बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। और हम सैंडविच बना रहे हैं ना तो थोड़ा मोटा ही रखिएगा। और अब हम 30 से 40 मिनट के फ्रिज में सेट होने के लिए रखते हैं, तब तक हम सैंडविच के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। सैंडविच चटनी बनाने के लिए 25 ग्राम धनिया पत्ता डालें चटनी जार में, और यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता के साथ ना स्टेम का भी यूज़ किया है जिससे चटनी में और भी ज़्यादा स्वाद आ जाएगा। अब 2 से 3 हरी मिर्च डाल दें, 2 टेबलस्पून भुना हुआ मूंगफली, 1 इंच अदरक, स्वाद अनुसार व्रत का नमक, 1/4 चम्मच जीरा और थोड़ा सा पानी डालें, पीस लें। तो बहुत ही टेस्टी चटनी पीस के तैयार है, कलर देखिए कितना शानदार आया है। आधे घंटे के बाद फ्रिज से निकाल लिया है, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। और अब हम कटिंग करेंगे, तो आप केक टिन के अंदर ही कटिंग कर सकते हैं या फिर बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 2 सैंडविच सेकने हैं तो सिर्फ 2 बनाइए, बाकी को फ्रीज कर दीजिए। तो मैं बाहर निकाल लेती हूँ ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कितना आसानी से बिना टूटे बिना चिपके बाहर आ गया है। तो कढ़ाई भी देख के ऐसा लग रहा होगा आपको कि पता नहीं ठीक से जमेगा कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम बीचों बीच चाकू से काट लेते हैं।
चाकू में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और अब हम स्क्वायर में काट लेते हैं। स्क्वायर में काटने के बाद ट्रायंगल में काट लें। तो मैं आपको एक बार उठा के दिखा देती हूँ। देखिए कलर कितना बढ़िया आ रहा है सारी सब्जियों का। और इतना ही थिक रखिएगा। और ये जो साइड के पीसेस है ना, इसे आप इस तरीके से रेक्टेंगल में काट लें। तो इतने सारे पीसेस निकल चुके हैं। और अब हम हल्का सा क्रिस्प कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने पैन में डाला है। आप जो भी व्रत में तेल घी खाते हैं उसका इस्तेमाल करें। तेल मध्यम गर्म हो चुका है। अब हम एक एक सैंडविच को डालते हैं और बस हमें उलट पलट के चारों तरफ से हल्का सा सेक लेना है। तो एक बार में इससे ज़्यादा ना डालें, वरना सही तरीके से हम उलट पलट नहीं कर पाएंगे। तो किनारों पे जैसे ही आपको हल्का सा कलर दिखने लगे ना, उलट लें। तो दूसरी तरफ से भी हल्का सा क्रिस्प हो चुका है। अब इस तरीके से उलट लीजिए। तो देखिए कितने अच्छे से अपना शेप होल्ड कर रहा है। आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी तरीके से हम चारों तरफ रोटेट करके हल्का हल्का 30-30 सेकंड के लिए बस सेक लेते हैं। बिल्कुल भी तेल नहीं सोखते हैं। अब हम एक एक करके ऑयल से निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर पे रखें। इसी तरीके से हम सेकंड बैच शैलो फ्राई कर लेंगे। तो पहले से ही सारी तैयारी करके रख दीजिए तो सिर्फ आपको 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो दूसरा बैच भी हमारा सेक चुका है और आप ऑयल भी देख सकते हैं। तो मैंने कुछ सैंडविच को प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितने मज़े का लग रहा है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने देखा बनाना कितना आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलें और अपने कीमती सुझाव हमेशा की तरह ज़रूर दें। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ चारों तरफ से, तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर। तो ये व्रत की सैंडविच चटनी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसे भी ज़रूर बनाएं।